हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो बहुत टाइम हो गया, कोई भी वीडियो और व्लॉग नहीं आ रहा है ड्यू टू सम रीजंस, लाइक बहुत सारे रीजंस हैं, मेंटली फिजिकली बहुत सारा एग्जॉस्टिंग काम चल रहा है। बट आज एकदम रैंडमली ना मैं कुछ कपड़े निकाल रही थी पुराने देने के लिए, डोनेट करने के लिए। बट उसमें से बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो बहुत क्लोज थे, लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड मैंने काफ़ी बार उनको निकाला है एंड अगेन अंदर रख दिया है कि नहीं, मुझे नहीं देना। नॉट बिकॉज कि मेरा वेट बढ़ गया है, और पहले मैं नॉट बिकॉज, जैसे मैं कह रही थी कि मेरा वेट बढ़ गया है इसलिए नहीं। मेरे घर का बैकग्राउंड, मॉर्निंग का टाइम है, पूरा बैंड बजी हुई है। अपार्ट फ्रॉम साइड करते हैं इस चीज़ को, तो क्योंकि ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिम करूँगी एंड आई विल गेट स्लिम एंड ऑल दैट स्टफ, बट नहीं। बट वो चीज़ें मेरे बहुत लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड मतलब बहुत बार मैंने हिम्मत करी कि नहीं मैं उसको दे देती हूँ, काम के नहीं है, बट हो ही नहीं पा रहा है। बट पता है, और ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ऐसी हमारी फीलिंग्स होती हैं ना बहुत सारी, कि बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती है जिनको हम लेट गो नहीं करते हैं, और हमें मतलब हम हमेशा बार बार उन पर वी डू पॉन्डर ऑन थिंग्स, लाइक बार बार सोचते रहेंगे और खुशी में गम में समय डूब जाएंगे, वॉट एवर द मेमोरी रिलेटेड टू दी हैप्पीनेस और सैडनेस टाइप ऑफ। तो ऐसा ही होता है ना कि हम बोलते ज़रूर हैं कि हमें लेट गो कर देनी चाहिए चीज़ें, चाहे इमोशंस हो, चाहे फीलिंग्स हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई पुरानी चीज़ हो, और जब तक हम उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे तब तक आई गेस न्यू चीज़ों के लिए रूम नहीं बनेगा। जस्ट लाइक ऐसा होता है ना कि जब हम घर में भी कुछ स्पेस बनाते हैं किसी नई चीज़ को लाने के लिए, अगर हमें चाहिए होता है कि नहीं ये चीज़ हमें लेकर आनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक घर में कोई न्यू बेबी आ रहा है तो हम उसके लिए चीज़ें लेकर आते हैं, जगह बनाते हैं चीज़ों को रखने के लिए, जस्ट लाइक दैट। तो हमें इस हैबिट को थोड़ा सा अपनी बिहेवियर में लाना चाहिए, लेट गो करने वाली चीज़ों को। तो मैंने आज फाइनली डिसाइड किया कि नहीं है, मैं वो कपड़े दे दूंगी, डोनेट कर दूंगी, क्योंकि बार बार उनको देखना, बार बार उनको सोचना कि नहीं यार ये नहीं देना है, कभी तो पहनेंगे, कभी तो मौका मिलेगा एंड ऑल दैट। तो ये था, मतलब ये चीज़ में फील, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ। आपके साथ में भी यही प्रॉब्लम आती है कि कपड़े हो गए, चाहे चीज़ें हो गई, आप उनको दे नहीं पाते हैं, आपको उनके साथ बहुत ऐसा लगता है मेमोरीज़ हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि जिस भी चीज़ के साथ आपके मेमोरीज़ है वो हर चीज़ को आप दे दीजिए या लेट गो कर दीजिए, नहीं। बट जो चीज़ें अनवांटेड हैं आपकी लाइफ में, आपके कबर्ड में, आपके घर में, उन चीज़ों को डेफिनेटली लेट गो कर दीजिए, और फिर देखिए नई चीज़ों के लिए अपने आप स्पेस बन जाएगी। सो ये था आज का मेरा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मोटिवेशन वीडियो, सब कुछ एक साथ मैंने बना दिया, तो बस ये है। तो चलिए मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।